जी, अब हम लोग सेवन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चैप्टर नंबर वन का, नाइन्थ क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट में क्या चीज है। स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप स्टेटमेंट पढ़े तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन के बारे में आइडिया हो जाएगा, देन आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, अ स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजंस ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। यानी एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं, तो स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो दो चीज़ें दी हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप डाटा नोट कर लें, सबसे पहले डाटा, तो मैं इसको डाटा को बोलता हूँ डाटा। तो जो नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल ये कितनी है, ये मेरे पास 50 है, ये नंबर ऑफ डिवीजंस 50 है। और जो दूसरी चीज के अलावा मुझे दी हुई है स्टेटमेंट के अंदर, वो मुझे दी हुई है पिच, स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर है। फाइंड क्या करना हम लोगों ने, लीस्ट काउंट। फार्मूला डेटा के अकॉर्डिंग जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्क्रू गेज का, तो फार्मूला वहां पे दिया हुआ कि लीस्ट काउंट हम लोगों ने कैसे फाइंड करना। तो वो इतना ही सिंपल और सीधा सा फार्मूला है कि हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। यानी कि जो मेरे पास फार्मूला बनता है लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज और फिर नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है यहां पे कैलकुलेशन। तो लीस्ट काउंट पिच कितनी दी हुई हमें, पिच में 0.5 mm है, 0.5 मिलीमीटर है, और ये 50 है। इसको मैं जब डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, ये लीस्ट काउंट निकला है। अब हम इसको, ये लीस्ट काउंट हमारा मिलीमीटर्स में है, अगर सेंटीमीटर में करना चाहें तो सिंपल 10 बढ़ा देंगे हम इसका, तो ये बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, यानी 10 पे हमने इसको मजीद डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसको हम एक दफा रिव्यू चेक करते हैं कि सबसे पहले जो उसने नंबर ऑफ डिवीजंस दी हुई है हमें और पिच बताई हुई है, फार्मूला हमें जो पता है वो तो ये है कि आप नंबर ऑफ डिवीजंस जो है और जो पिच है, पिच को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिवीजंस के साथ जो सर्कुलर स्केल के ऊपर मौजूद हैं। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला पुट कर दिया, लिहाजा जब फार्मूले में हमने कैलकुलेशन पुट की तो जो आंसर बनता है वो हमारा मिलीमीटर में है, हम उस मिलीमीटर वाले आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा।